कर दो दैट लेक्चर है ठीक है यस चल ये आ जाओ आप लोग भी हेलो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आ जाओ जल्दी से आ जाओ बाकी बच्चे किधर है स्पेट ए सेकंड मैं भी मैसेज कर देती हूँ। जल्दी आ जाओ यारों टाइम कम मिलेगा इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग ऐप पे करोगे ठीक है इन्फॉर्म मैं यहाँ पे ग्रुप में करती हूँ अपने चलो यार यस हेलो हेलो एवरीवन कितने बच्चे आ गए समृद्धि सुबोध तनिष्का मोहम्मद ओमकार देवेन अहद ईश्वरी यस yes, हेलो बेटा आज आपका फर्स्ट लेक्चर है राइट आज मोहम्मद और ईश्वरी का फर्स्ट लेक्चर है अम्या महेश अंकिता भूमिका आकिफ दिव्या चलो यार आ जाओ सब आ जाओ थैंक यू चलो आ जाओ अरे ये कुछ याद आता है क्या अपन ने कल ऐसा कुछ ये नोट दिख कुछ ऐसी देखी देखी भी लग रही है क्या कुछ ऐसा कभी तो भी देखा है ये लग रहा है हाँ जी बता दो यारो ऐसे कभी तो भी देखा है ऐसा कभी कभी वाली भी फीलिंग आ रही है क्या कभी कभी हाँ मैडम देखा देखा लग रहा है कुछ तो भी कुछ तो भी था जिस भी बच्चे कोई भी ऐसा बोला ना अभी कोई भी ऐसा बोला ना उसने कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर देख लो यार उसमें आपको सिर्फ बारह मिनट में मैंने पूरा ये सारा कंसेप्ट समझा के दिया है ठीक है एकदम मस्त तरह से ऐसा बोला नहीं है बिल्कुल नहीं बोला कि तो हाँ मैडम देखा देखा लग रहा है अभी सब याद आना चाहिए है ना ओके <laughs> okay. चले यार आ जाओ आ जाओ तो आज हम लोग ये फाइनली आपका फिनिश हो गया पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा अच्छी तरह से हो गया था एक भी चीज आपको इस नोट्स की मैंने छोड़ी नहीं है देख लो फाइनली ओवर ऑल राइट और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर वन ये टॉपिक जीरो टॉपिक वन सारी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है अपने ऐप पे है ठीक है ऐप पे आपके स्टोर पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगी टूडे वी आर स्टार्टिंग विथ यर चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर मैडम अभी तक जो पढ़ाया था अरे अभी तक जो पढ़ाया था ना वो बल्कि और इम्पॉर्टेंट था ये लेक्चर समझने के लिए ये चैप्टर समझने के लिए डिटेल्ड समझने के लिए ठीक है तो पहले का लेक्चर वापस से बोल रही हूँ अब मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों के लिए बेसिक एक ही बार बस देखना है सिर्फ एक बार देखना है थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो ठीक है थोड़ी बहुत शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बना सकते हो एक पेज या दो पेज में बस उतना ही आपका काम है ठीक है ये टॉपिक ज़ीरो से बाकी कुछ भी नहीं बाकी कुछ नहीं फिर अब मुझे क्या करना होगा मैं सिर्फ आपको ना एग्जाम्पल्स वगैरह दे के कोरिलेट करूँगी ठीक है तुम्हारा जो जर्नी अपन ने इकोनॉमिक्स अब बहुत स्मूद कर लिया है तो अभी चिंता करने वाली टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है यार और चलो आ जाओ यार सात बज गए सेवन टेन हो गए लेट स्टार्ट ठीक है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते इकोनॉमिक्स तो अरे करे क्या स्टार्ट करें कर दें ओके okay. चलो अब ना मुझे नहीं पता आप लोगों का इलेवेंथ स्टैंडर्ड में क्या अप्रोच था पढ़ाई करने का मतलब सीरियसली इलेवेंथ स्टैंडर्ड में तुम लोग क्या किस अप्रोच से पढ़ते थे या रट्टा मारते थे या क्या एग्जैक्टली exactly करते थे ना मुझे कोई आइडिया नहीं बट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक सब्जेक्ट लर्न मेरे साथ साथ होगा मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश करोगे यार एंड yeah. मुझे पता है आप लोगों को ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मैडम आपको पता नहीं है हमें मार्केट में जाना आता है सब सामान हम लोगों को लाने बोलता है घर में इतने काम देते हैं मैडम आपको कुछ आइडिया नहीं है पता है मुझे आप लोग बहुत बिजी हो यार इतने बिजी हो कि लाइव लेक्चर्स में आने को भी दिक्कत होता है है ना बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ठीक है दुष्टो पापियों में एक ही चीज बोलूंगी यार लाइव लेक्चर्स अटेंड करो बिकॉज कैसा होगा ना बाद में फिर रिकॉर्डेड ही देखना था तो फिर अपने लाइव वाला ऑप्शन क्यों लिया ठीक है रिकॉर्डेड देख लो जब मन जाए देख लो कुछ छूट गया तो भी क्या फर्क पड़ रहा है मेरे साथ साथ चीजें लर्न नहीं होगी और मेरे साथ साथ पोर्शन में साथ में नहीं रहोगे तो वन रिक्वेस्ट अगेन यार लाइव लेक्चर ही अटेंड करो आई कैन सी बहुत ही कम बच्चे लाइव आते हैं क्यों, है? क्यों इतने कम बच्चे लाइव आ रहे हो यार इनफैक्ट मैथमेटिक्स में भी एंड इकोनॉमिक्स में भी इतने कम बच्चे लाइव इलेवेंथ का अप्रोच छोड़ो जो भी कुछ था कि मैडम ने हाँ रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो अप्रोच छोड़ देना अभी ठीक है साथ साथ अगर मेरे चल रहा है आपको चाहिए मेरे साथ साथ चीज़ें लर्न हो आपको चाहिए मैं आपको पूरा करवा के लूँ ना सारी चीज़ आपसे करवा के लूँगी तो प्लीज मेरे साथ साथ रहना ठीक है तो उस चीज़ में कोई भी डील मत करो यार ठीक है ओके चलो यार स्टार्ट करें अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी तक किसी को कुछ भी वगैरह कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग पूछ लो मेरे एक बार ये स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी डाउट वगैरह है अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में तो एक बार पूछ लो यार बेटा बिकॉज चैप्टर कंप्लीट हो गया है लास्ट टाइम मैं आपको डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पाई थी कुछ भी डाउट्स है जो भी कुछ पढ़ाया उसमें से कोई भी कंसेप्ट नहीं समझा हाँ चैप्टर में आएगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगी इट तो वॉज जस्ट अ समरी अगर मैंने कहीं पर मनी सप्लाई का टॉपिक छेड़ा है अगर मैंने कहीं पर गवर्नमेंट डीमॉनिटाइजेशन जीएसटी ये सब टॉपिक छेड़ा है ठीक है तो वो जब चैप्टर आएगा ना डिटेल में तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ठीक है ओके okay, पक्का वाला ठीक चलो यार तो लेट स्टार्ट यार शुरू करते हैं अपन अपना इकोनॉमिक्स क्या होता है एक बार थोड़ा सा तो अपन आ, फाइनली इकोनॉमिक्स होता क्या है अभी आपको सारी चीजें आ गई अभी आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो है ना तो क्या होता है क्या यार ये इकोनॉमिक्स 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 मैडम ये इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होता है ये इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी आपको पता है इकोनॉमिक्स तो वही एक सब्जेक्ट है जो हमें कंपलसरी पढ़ना है मैडम अस्सी नंबर मिल जाएंगे बीस उधर से मिलेंगे हंड्रेड का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हमें सारे लेवल पे रहने वाला है चाहे बीकॉम कर लो चाहे बीबीए कर लो या चाहे एम कर लो सब चीजों में रहेगा है ना अब पार्ट इसके अलावा इसके अलावा आपने क्या चीजें क्रक्स क्या निकाला इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है क्यों पढ़ना है हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है क्योंकि मैडम हमारे अपने इंडिया की बोलो या अपने पूरे वर्ल्ड की बोलो एक ना एक सच्चाई है यार एक ऐसा कड़वा सच है यार कि भाई इंडिया के पास में या पूरे वर्ल्ड के पास में जो रिसोर्सेज होते हैं ना जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनकी स्केयर होती है उनकी स्केयर होती है और जिसके कारण जो कमियां कमियां होती है ना वो स्केर के कारण ही तो इकनॉमी में प्रॉब्लम अराइज़ होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिसोर्सेज की स्कैसिटी होती है इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आपको इकनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना है बहुत ही सिंपल सा पार्ट है उसके अलावा और स्कैसिटी तो तब आ जाती है जब उससे ज़्यादा स्कैसिटी अराइज हो जाती है कभी जब हमें यह पता चलता है कि ये जो रिसोर्सेज है ना ये जो रिसोर्सेज है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है अब थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में आपको चैप्टर वन की तरफ लेके चल रही हूं आपको और ज्यादा कैसे मालूम पड़ता है ये रिसोर्सेस है ठीक है और स्कैसिटी कैसे आ रही है जब यही रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेज है जीरो मतलब मिल्क है मिल्क से आपको चाय भी पीना है मिल्क से आपको कड़ भी खाना है रात को सोते समय हल्दी वाला दूध भी चाहिए ये भी चाहिए सुबह उठते वक्त बॉर्नविडा वाला दूध चाहिए मतलब कितनी सारी चीजें यार छाछ भी पीना है समझ रहे हो? ये जो अपने रिसोर्सेस कम तो है बट ये रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़र्स भी है एक वुड कारपेंटर वो लकड़ियाँ बनाए ठीक है वो लकड़ियां बनाए सॉरी लकड़ियों से क्या क्या चीजें करेगा वो या तो वो वुड आ, अपना दरवाजा बनाएगा ठीक है आ, विंडो बनाएगा टेबल बनाएगा चेयर बनाएगा वो रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है इसके कारण और ज्यादा इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स वगैरह राइज हो रही है समझ पा रहे हो uh, नहीं आके फिर लाइव लेक्चर वन नहीं है इट्स नॉट लाइव ये ट्वेल्थ वाला है ठीक है मतलब हमने यस टॉपिक नंबर वन का अगर आप फर्स्ट चैप्टर का बोल रहे हो तो ये लाइव लेक्चर वन है ठीक है टॉपिक वन का लाइव लेक्चर वन है येस मैं सेग्रीगेट कर दूंगी उसमें बेसिक सेग्रीगेट करूंगी और यहाँ से मैं आपके लिए चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है ओके okay. तो यार आप कुछ भी कर लो ना ये स्केयर सिटी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है ये जो स्केयर सिटी है ना ये अपना पीछा नहीं छोड़ने वाली है अब फिर आप इकनॉमिक्स में कैसे पढ़ोगे या तो छोटे छोटे तरह से सीख लो या बड़े ब्रॉड लेवल पे सीख लो छोटे छोटे तरह से सीखना मतलब माइक्रो लेवल पे सीखना एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए सीखना एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की पढ़ाई कर लो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के एंगल से देख लो ठीक है इंडिविजुअल फर्म के एंगल से देख लो या फिर आप एक ब्रॉड लेवल पे पूरे इंडिया के एंगल से देख लो मैक्रो लेवल पे देख लो अरे इकोनॉमिक्स को पढ़ना ही है ना या छोटे छोटे लेवल पे पढ़ ले या बड़े लेवल पे पढ़ ले समझ में आ रहा है ये सारी चीजें पढ़ा दी है बस उसी का थोड़ा सा आगे कनेक्टिव कर रही हो कनेक्शन समझ में आ रहा है बड़ू आगे पक्का से एवरी वन ऑफ यू तो आपको पता है ये जो माइक्रो और मैक्रो है ना ये जो माइक्रो और मैक्रो अरे छोटे छोटे लेवल पे पढ़ लो इकोनॉमिक्स को या बड़े लेवल पे पढ़ो ये जो टर्म्स है ये हमें किसने दिया है पता है क्या आपके इकोनॉमिस्ट है रेगुनाथ अरे अभी तक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आपके पापा के बारे में पापा से मिलवा दिया इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ जी याद आ रहा है फिर हमारे मार्शल जी आ गए थे अब वो एक छोटा सा ट्रिक था कि एम से मार्शल है और एम से हमारी मम्मा है है ना फिर आ, लियोनल रॉबिन से लाल ऐसे एक छोटा सा ट्रिक था तो मैंने आपको आपके पापा मम्मी सबसे तो मिलवा दिया था आज अभी हम लोग आज के कौन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में रेगनार फ्रिस्क रेगनार रेगनार फ्रिस्क ये क्या? फेमस इकोनॉमिस्ट है, ठीक है जिनको बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो ये दो टर्म्स कि कॉइन किया था आपको पता है रेगुनार फ्रिस्क और ये इकोनॉमिस्ट कौन थे हमारे ही ही इज नोन आज या ही वॉज नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट ये कौन थे हमारे नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन नॉर्वेजिया के इकोनॉमिस्ट थे ठीक है दिस टर्म्स माइक्रो एन मैक्रो व कॉइंड बाय नॉर्वेजियन इकनॉमिक रेगनार फ्रिस कौन से इकनॉमिक्स है ये नॉर्वेजियन इकनॉमिक्स इसके अरे यार मैंने आपको ये तो बताना भूली गई कि ये Oslo यूनिवर्सिटी ओस्लो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है और 1933 के ग्रेजुएटेड है मैडम याद करना है बिल्कुल याद नहीं करना है क्या याद नहीं करना है आपको ओसलो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है और नाइनटीन में इनका ग्रेजुएशन हुआ है ये आपको याद नहीं करना है ऑल राइट कौन सा इकनॉमि है हाँ नाम याद रखना है मैडम ये याद रखना है क्या नॉर्वेजियन इकनॉमिक्स नहीं ज़रूरत नहीं है क्या याद नहीं रखना है नॉर्वेजियन इकनॉमिक रेगना फ्रिस्ट कभी ग्रेजुएटेड थे ओस्लो यूनिवर्सिटी से और वो नाइनटीन के ठीक है नाइनटीन के ग्रेजुएटेड है और तो और इनको फर्स्ट नोबल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का कभी मिला था 1969 में मैडम याद रखना बिल्कुल याद नहीं रखना है चिंता मत करो उसे सुनो ठीक है अपने आप याद हो जाएगा ही वॉज़ विनर ऑफ द फर्स्ट नोबल प्राइज पहला नोबल प्राइज इनको मिला इकनॉमिक्स का कभी मिला था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में आपके ऑब्जेक्टिव में ये सारी पार्ट पूछी जाती है जहाँ पर आपको याद करना होता है ठीक है ओके अच्छा इनकी क्वालिटी uh, क्या ऐसा क्या इन्होंने क्या बताया क्या चीज़ें बताई नॉर्वेजियन अरे नॉर्वेजिया क्या है इसलिए नॉर्वेजियन ठीक है इंडिया के होते थे इंडियन इंडियन इकनॉमिक्स बोले होते थे हम समझ में आ रहे हैं ओके okay. तो so, इनकी क्या क्वालिटी है इन्होंने इन्होंने क्या किया पता है क्या इन्होंने हमारे इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स वगैरह दिखते हैं कि भाई इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ठीक है इन्होंने ना कुछ मैथेमेटिकल मॉडल्स का कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अरे मैथेमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना बस इन्होंने क्या किया ना और थोड़ा हायर लेवल पे कुछ मैथेमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया है हमारे इकोनॉमिक्स में ठीक है इसलिए इन्हों इनको फर्स्ट नोबल प्राइज मिला और ये कहाँ के नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे भाई हमारे नाम क्या है रेगना के कहाँ से ग्रेजुएटेड है ओस्लो यूनिवर्सिटी से कभी ग्रेजुएटेड है 1933 की 1969 33 नोबल प्राइज 1969 ठीक है पक्का वाला समझ में आया ये सुबोध आपका डाउट क्लियर हुआ क्या सुबोध डाउट क्लियर हुआ हां डन किया क्या इन्होंने अरे इन्होंने ये जो टर्म्स है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इंडिया की स्टडी करनी है ना भाई पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स समझो छोटे छोटे लेवल पे समझो ठीक है एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में समझो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में समझो देखो और ये एस, ये पहले पर्सन थे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई जब आप एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ठीक है जब आप प्रोड्यूसर कौन होता है ये भी मैं आपको एग्जैक्ट मतलब प्रोडक्शन क्या होता है ये पूरी प्रोसेस मैं आपको कल के लेक्चर में सारी चीजें बताऊंगी अभी फिलहाल के लिए इतना समझो प्रोड्यूसर मतलब अभी इतना पता है गुड्स का प्रोडक्शन किया होगा उन्होंने गुड्स बनाया होगा ये तो समझ में आ रहा है प्रोड्यूसर कौन है जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है जो गुड्स बनाता है ठीक है तो जो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है हमारे जो रेगनार फ्रिस्क जी हैं ये क्या करते हैं ये एस, ये पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना अगर आप इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हो अगर आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हो तो वो कौन सा पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ठीक है मैडम ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था हाँ जी आपको सारी चीजें पहले ही बता दिया गया था ठीक है और पूरे ब्रॉड लेवल पे एक अग्रीगेट लेवल पे एक पूरे अग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ने बताया हमें किसने बताया है बोलो जरा पूरा पूरा यस एनी वन ऑफ यू कौन बोल रहा है यहां पे चलो यार दो मुझे यहां हैंड रेस uh, करो समृद्धि यस yes. रेस करो हैंड रेस करो मेरे साथ साथ बोलना है साथ साथ लर्न करना है एक दो बच्चे हाँ सारे आपको डोंट वरी इकोनॉमिक्स में आपको मैं सबको चांस दूंगी सबको चांस दूंगी ठीक है कोई भी दो बच्चे हैंड रेस कर लो ओके सम, इसने वैष्णवी और समीक्षा ने क्या चलो यार बेटा साथ में बोलना है ठीक है द टर्म्स माइक्रो बोलो मेरे साथ में द टर्म माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय कॉइंड बाय मतलब उन्होंने लाया ठीक है कौन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे Speaker problem है ना? नहीं. आ, बेटा आप लोग बोल रहे हो आवाज़ नहीं, नहीं, नहीं आ रही, नहीं रही बेटा धीरे बोल रहे हो क्या आप नहीं बेटा आवाज़ नहीं आ रही है और कोई और कोई हैंडरेस करो बेटा करो। जिनके पास में वाईफाई है वो हैंडरेस करो यस जिन किसी के घर पे वाईफाई है नहीं है चलो ठीक है कोई ना है तनिष्का ओके आकिफ, ठीक है चलो यार साथ में बोलना है मेरे ठीक है बोलो द टर्म्स मेरे साथ में बिंदास बोलो माइक्रो एंड मैक्रो आर कॉइंड बाय्रो आर कॉइंड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट मेरे साथ साथ बोलते चलो ठीक है रेगना फ्रिस्क ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री और सिक्सटी नाइन में उनको क्या मिला नोबेल प्राइज मिला ओके okay. उसके बाद में इन्होंने क्या यूज़ किया है हमारे इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ किया ये इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है इसमें उन्होंने क्या डाला मैथमेटिकल मॉडल डाला कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया ठीक और कौन से फर्स्ट पर्सन थे वो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला हाँ और पूरे अग्रीगेट इकोनॉमिक स्टडी करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है ओके okay. अब क्योंकि माइक्रो एंड मैक्रो अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना तो फिर थोड़ा ये भी देख लेते हैं यार ये कौन से ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से ये डिराइव हुआ है माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड माइक्रोस माइक्रो कहाँ से आया है माइक्रोस से ठीक है और मैक्रो माइक माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया कौन सा ग्रीक वर्ड है उसका देखो यहाँ पे लिख कर दिया मैंने आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोज मिक्रोज लो बिकॉज एम आई के आर ओ एस वैसे ठीक है इट इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड माइक्रोज जिसका मतलब होता है स्मॉल और मिलियंत पार्ट अरे पूरे इंडिया लेवल पे सिर्फ छोटा सा पार्ट की स्टडी करना स्मॉलेस्ट पार्ट मिलियंत पार्ट ठीक है और मैक्रो इकोनॉमिक इट इज डिराइव फ्रॉम योर ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस मैक्रोस जिसका मतलब क्या होता है पूरे लार्जर पार्ट की पूरे अग्रीगेट पार्ट की ये दो वर्ड सेम है ठीक है अग्रीगेट मतलब लार्ज दोनों सेम वर्ड है ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो तो कि वी स्टडी इकोनॉमी एज एन होल पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करता है वी स्टडी अग्रीगेट इकोनॉमी वो भी सेम चीज है ठीक है थीके? तो आप एग्जाम में कोई भी यूज करो बट अप्रोप्रिएटली ये रहेगा समझ में आ रहा है बढ़ू आगे अरे लर्न हुआ मेरे साथ में लर्न हुआ पक्का वाला ठीक है अच्छा अब मुझे इतना बताना कौन सा जो माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो पहले ये बता दो यार कौन सा इकोनॉमिक्स पहले आया मैक्रो पहले आया या माइक्रो पहले आया यस वॉट्स योर सजेशन कौन सा पहले आया होगा थोड़ा सा सोचो गलतियां करो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कोई यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं देना है बस एग्जाम में गलती नहीं करनी यहाँ जितनी गलती करनी है कर लेना ठीक है सीरीज में भी गलतियां कर लेना में भी कर लेना बोर्ड एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है ठीक है कौन सा पहले आया होगा क्या लगता है माइक्रो मैक्रो ओके 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 कंफ्यूजन है ना मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ रहा है कि मैडम मैक्रो पहले आया या माइक्रो पहले आया okay, अब एक चीज अपने इलेवन स्टैंडर्ड में ना ऑलरेडी पढ़ रखा है बेटा कौतिल्य व्यूज कौतिल्य जी की ने डेफिनेशन पढ़ी थी चंद्रगुप्त जी की पढ़ी थी हमने विष्णुगुप्त भी बोलते हैं आप लोग तो वो क्या करते हैं वो उन्होंने ना कुछ अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ वगैरह ना इनकॉर्पोरेट किए थे पूरे आ, क्या बोलते हैं इंडिया की स्टडी मतलब वो लोग वो ना कुछ सजेशंस वगैरह देने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक्स में ठीक है कुछ पॉलिटिकल आइडियाज वगैरह इनकॉपरेट किए थे और वो फाइनली जो है वो गवर्नमेंट को सजेशंस वगैरह देते थे कुछ पॉलिसीज वगैरह बनाते थे इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज वगैरह तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत पहले से था ऑब्वियसली ना इकोनॉमिक्स का काम ही वही होता है एंड लॉजिकली भी हम लोग अगर सोचे तो इकोनॉमिक्स का तो काम ही यही होता है कि वो क्या करते हैं पूरे इंडिया लेवल के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं समझ पा रहे हो देखना जरा यहां पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे कभी आए हैं एटीन सेंचुरी के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है तो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सेंचुरी में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट वॉज यूज टू एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट अरे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी बट जो मैं अभी आपके सोल्यूशन का आंसर दे रही हूँ माइक्रो पहले आया या माइक्रो पहले आया ठीक है तो क्या पहले आया होगा अब बताओ मुझे क्या पहले आया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों समझ रहे हैं यस मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया बिकॉज सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन सेंचुरी में भी अरे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कभी आया था ये जो एडम स्मिथ जी की जो हम लोग अपने पापा की डेफिनेशन पढ़ी है पैसा 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 वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन यह हमारे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ ये हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड सॉरी एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन है है ना तो इनके भी पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता था ताकि हम वो लोग हम लोग हमारी पॉलिसीज़ बना बताते थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट आपको ना इस इस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए पूरे इंडिया लेवल की इंडिया में आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है इंडिया में आपको पावर्टी कम करनी है इंडिया में आपको गरीबी पावर्टी कम करनी है गरीबी हटानी है जॉब ज़्यादा बढ़ानी है वहाँ उसका इंडिया की आपको जी बढ़ानी है नेशनल इनकम बढ़ानी है तब भी मतलब समझ रहे हो सबसे पहले मैक्रो लेवल आया और फिर माइक्रो लेवल आया बिकॉज मैक्रो लेवल हम लोग एकदम से पूरे इंडिया लेवल की स्टडी नहीं कर सकते इंडिया लेवल के प्रॉब्लम्स की एकदम से हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सक, ला सकते तो उससे पहले हमें क्या करना है छोटे छोटे लेवल छोटे छोटे मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की स्टडी करेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की स्टडी करेंगे इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करेंगे इंडिविजुअल पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करेंगे समझ आ है वो एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या मैडम मेरे पप्पा की बहुत बड़ी शॉप है मैडम मेरे पप्पा गांव के पंच, ये है पंचायत समिति के हेड है मुखिया है मैडम मेरे डैडी पूरे क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कलेक्टर है बेसिक्स में ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको माइक्रो के लिए कूड यू कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो ठीक है तो सबसे पहले क्या आया मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज पूरे इंडिया लेवल के लिए सजेशन देना पूरे इंडिया लेवल के लिए इकोनॉमिक की पॉलिसीज बनाना पूरे इंडिया लेवल के लिए पावर्टी कम करना ठीक है गरीबी हटाना जॉब ज्यादा बढ़ाना ये जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम हो रही थी मतलब जो रिच पीपल है वो और ज्यादा रिच बन रहे थे जो पुअर्स है वो और पुअर हो रहे थे ये चीजें uh, कई uh, uh, क्या बोलोगे आप एक स्टेबिलिटी लाना कि भाई ये चीजें ना हो इकोनॉमी में समझ में आ रहा है ओके डोंट वरी आज बहुत ज्यादा डीप में कुछ भी नहीं करना है हाँ सो नाउ टेल मी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैडम माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक छोटे से पार्ट की स्टडी करना पूरे इकोनॉमी में से एक स्मॉल और मिलियंत पार्ट की स्टडी करना अभी आपने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस जिसका मतलब होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट हमें तो सिर्फ उतना ही पता है बस उतना ही पता ना आ जाओ आगे ठीक है इट डील्स इसका मीनिंग क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी मतलब पूरे इंडिया की इकोनॉमी में से जब हम महाराष्ट्र स्टेट की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में से जब मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की स्टडी कर रही हूँ पूरे एशिया में से जब हम या यही एक ही बोल लो ठीक है जब हम पूरे एशिया में से जब हम सिर्फ हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं समझ में आ रहा है इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकनॉमी एंड स्टडीज और क्या स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स अब क्या स्टडी कर रहा है कि जो इंडिविजुअल जैसे आप इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो ठीक है वो इंडिविजुअल का इकोनॉमिकल एक्शंस क्या है वो वो इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बिहेवियर का क्या है ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स अच्छा इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अरे इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या एक्शन लेता है सेल 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 डिस्काउंट हुआ तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का एक्शन क्या है वो एक पे एक और खरीद लेगा उसको एक नहीं खरीदना होगा वो एक ही चीज खरीदना चाहेगा लेकिन वो और खरीद लेगा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या एक्शन होता है ठीक है अगर उसके पास पैसा ज़्यादा आया तो वो क्या करेगा और ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेगा कम रेट में रॉ मटेरियल लेकर आएगा लमसम रॉ मटेरियल लेकर आएगा समझ पा रहे हो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का क्या इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल फर्म का इकोनॉमिक एक्शन और बिहेवियर क्या होता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस अरे ये पेन है तो ये पेन का प्राइस कैसे निकालना

कनेक्ट कर पा रहे हो कनेक्ट कर पा रहे हो या मैं दिखाऊं वापस से नोट्स में एवरी वन ऑफ यू ओके ओके चलो तो हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इट डील्स विथ से एक बार से इट डील्स विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ठीक है स्मॉल पार्ट पूरे नेशनल इनोमी का स्मॉल पार्ट हो गया और और क्या स्टडी करता है वो एंड इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट फिर चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकता है इंडिविजुअल कंज्यूमर हो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो इंडिविजुअल फॉर्म हो अब इसके आगे से आगे का पूरा रामायण कहानी रम, मन से लिख सकते हैं यहाँ पर अब हम लोग मन से लिख सकते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल सेलर इंडिविजुअल जो कुछ लिखना है लिख लो इंडिविजुअल फॉर्म एक्सेट्रा ठीक है और साथ ही साथ दो प्राइस एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालना अरे कोई भी एक कमोडिटी एक मोबाइल फोन की प्राइस निकालना माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही तो पार्ट है ठीक है फैक्टर्स की प्राइस निकालना फैक्टर्स मैडम फैक्टर्स क्या बेटा ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी थोड़ा सा लंबा खींचेगा ना फिर आज का सेशन थोड़ा सा बीच में रह जाएगा ठीक है तो फैक्टर्स की प्राइस और दो प्राइसेस निकालना इंडिविजुअल फार्म प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स और उसके बाद में दो प्राइसेस प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी और फैक्टर्स प्राइस प्राइस प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग प्राइस, 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 प्राइस दो प्राइसिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग ऑल राइट ओके और एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है एक एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने हमें किसने दिया है प्रोफेसर बोल्डिंग ने कि माइक्रो है है क्या? पूरे जंगल में से एक इंडिविजुअल पेड़ की स्टडी कर लेना पूरे जंगल में से पूरे फॉरेस्ट फौरे में से सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करना इन सिंपल टर्म्स इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्री सिर्फ एक ही पेड़ की स्टडी करना पूरे जंगल में से वो क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और पूरे जंगल की पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना क्या हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स कि उन्होंने बताया हमें प्रोफेसर बाउल्डिंग मैडम याद रखना है अरे बहुत ही सिंपल है ना इसको याद करने की क्या जरूरत है पूरे जंगल की नहीं सिर्फ एक पेड़ की स्टडी करना प्रोफेसर बोल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो में जाके क्या लिखेंगे हम पूरे जंगल की स्टडी करना ना कि एक इंडिविजुअल पेड़ की स्टडी करना इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलोगे इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बट नॉट द ट्री माइक्रो इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्री बट नॉट द फॉरेस्ट माइक्रो में इट इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्री ठीक है ओके okay. चलो यार इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं ऑल राइट right, आपका नेक्स्ट लेक्चर है अभी इसके बाद में धीरे धीरे आपके चैप्टर्स आगे चलाते हैं मेरे साथ साथ लर्न करेंगे और आज से अपनी डिटेल्ड पढ़ाई शुरू ठीक है आज के बाद से जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको डेली बेसिस पे रिविजन करना है नोट्स बनाओ ऑल राइट डेली बेसिस पर मैं आपको आपके ग्रुप में होमवर्क भेजूँगी एंड जो भी बच्चे अभी तक मेरे इकोनॉमिक्स के ग्रुप में एडेड नहीं है उसने प्लीज़ मेरे को एक बार व्हाट्सअप करना है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी ऑल राइट चलो बाय 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 एवरी वन हाउ के कैन आई वॉच बेसिक लेक्चर आकिफ आप मुझे मैसेज करो मैं आपको बताती हूँ ठीक है ओके बाय बाय एवरी वन टेक केयर